आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24। भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी ने दिल्ली के पांडव नगर स्थित धोबी घाट पर अपना 55वां जन्म दिवस मनाया। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केशव चौहान, राष्ट्रीय मंत्री दीपक कनौजिया और हिंदू युवक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पवन गुप्ता द्वारा किया गया। ब्रिज प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष मनोज शर्मा, आगरा के जिला अध्यक्ष विवेक गर्ग, जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ शैलेंद्र सिंह, व्यापार प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष आगरा अजय गोयल, उमाकांत मिश्रा, अनूप जिला अध्यक्ष फिरोजाबाद जितेंद्र सिंह आदि ने उन्हें फोन पर जन्मदिन की बधाई दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने जन्मदिन पर बोलते हुए कहा कि आज मेरा 55वां जन्मदिवस था। हजारों मित्रों, शुभचिंतकों ने फोन, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। शुभकामनाएं प्रेषित करने वाले समस्त मित्रों, शुभचिंतकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हृदय गदगद हुआ। मेरे सुखद एवं मंगलमय जीवन की मंगल कामना करते हुए मेरा मान बढ़ाया। आप सभी का यह स्नेह मेरे जीवन की अमूल्य निधि है, जिसे मैं सदैव सहेज कर रखते हुए आप सभी के विश्वास पर खरा उतरने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। देखिए किया और कुछ कहा अपने जन्मदिन पर अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविन्द्र द्विवेदी ने। दिल्ली से स्टेट ब्यूरो चीफ मनोज शर्मा की खास रिपोर्ट। आज 26 जनवरी 2023 को बसंत पंचमी का दिन है। बसंत पंचमी का दिन हमारे अमर बलिदानी बाल हकीकत राय के बलिदान दिवस का प्रतीक है। बाल हकीकत राय मुगल काल में एक मदरसे में पढ़ने जाते थे, जहां पर एक मुगल विद्यार्थी ने माँ दुर्गा को गाली दी। तब बाल हकीकत राय ने कहा कि जो गाली तुमने मेरी दुर्गा माँ को दी, वही गाली आपके इष्ट देवी देवताओं को लगे। इस पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया और बाल हकीकत राय को दोषी करार दे दिया गया। उनसे कहा गया कि आप इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हें क्षमा कर दिया जाएगा, अन्यथा तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। उनके परिजनों को भी बुलाया गया, उनके माता पिता ने भी समझाया कि तुम जीवित रहोगे तो हमारी आंखों के सामने तो रहोगे, इस्लाम ग्रहण कर लो। तो बाल हकीकत राय ने कहा कि आप लोगों ने मुझे सनातन की जो शिक्षा दी है कि अपने धर्म के लिए जीना है
अपने धर्म के लिए मरना है। यदि मैं बलिदान भी हो जाता हूं अपने सनातन धर्म के लिए तो मैं पुनः जन्म लूंगा और पुनः सनातन धर्म की सेवा के लिए आऊंगा। किंतु यदि मैं एक बार इस्लाम में दीक्षित हो गया तो फिर मरने के बाद सदैव के लिए कब्र में गाड़ दिया जाऊंगा और फिर कभी जन्म नहीं ले पाऊंगा। इसलिए मुझे जीवित रहने से अच्छा अपने धर्म पर बलिदान होना है। उनका उत्तर सुनकर के मुगल शासकों ने उनका वध कर दिया रावी नदी के तट पर। तो आज का यह दिन हमें उनका बलिदान से प्रेरणा लेने की सीख देता है और हम अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से भारत सरकार से मांग करते हैं कि अमर बलिदानी बाल हकीकत राय की प्रतिमा देश के समस्त विद्यालयों में लगाई जाए ताकि उनके बलिदान से प्रेरणा लेकर के हमारे देश के बच्चे उनके पदचिन्हों पे चलते हुए धर्म और राष्ट्र की रक्षा करें। जय श्री राम, जय हिंदू राम। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24।